नमस्कार, वीरे टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय के संबंध से नया भूचाल आ गया है। दरअसल ईडी ने पात्रा चौल भूमि घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं इसे लेकर शिवसेना कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक बीजेपी पर हमलावर हो गई है। उधर संजय राउत ने कहा कि उनका सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी वो गुवाहाटी का रास्ता नहीं लेंगे। संजय राउत ने भी ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि ईडी ने समन भेजा है, अच्छा है। महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, हम बाला साहेब के शिवसैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, यह मुझे रोकने के लिए बड़ी साजिश है। अगर मेरा सिर भी कट जाए तब भी मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं लूंगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि भाजपा से परम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती हुई ईडी डिपार्टमेंट। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी के कार्यालय का नाम बदलकर बीजेपी कार्यालय कर देना चाहिए। संजय राउत जी ने कोई गुनाह नहीं किया तो ईडी अब तक सो क्यों रही थी? क्या ईडी को एमएलए किडनैपिंग गैंग यानी भाजपा ने आदेश दिया है? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ईडी की कार्रवाई दिल्ली से सुनियोजित है, हम अगली रणनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स के लिए वीरी टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।